Hello my dear students, welcome back to Balaji online classes. I am Sadia Khatun and today I'll be teaching you mathematics of class 8. I'll be teaching you chapter number 10 of your textbook, which is visualizing solid shapes. What do you mean by solid shapes? In mathematics, we have studied about two types of figures. The first one is the plane figures and the second one are the solid figures. Plane figures like, for example, square, rectangle, triangle, circle, these are all plane figures. And solid shapes, solid figure means three-dimensional figures, 3D shapes, which means like cube, cuboid, cylinder, cone, sphere, pyramids, prism. These are all the examples of solid shapes or the solid figures. The solid shapes, they have the edges, vertices and faces. जैसे कि हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेन फिगर्स तो हम लोग साइड्स की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट साइड्स, वी टॉक अबाउट डिफरेंट उनके वर्टिसेस तो उसमें भी होते हैं, बट हम लोग जो साइड्स होते हैं उनको अब हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर्स में कहते हैं एजेस. फॉर एग्जाम्पल आई शो यू, दिस इज अ क्यूबॉइडल बॉक्स. ठीक, दिस इज अ क्यूबॉइडल बॉक्स. दीज कॉर्नर पॉइंट्स आर नोन एज द वर्टिसेस. दीज आर द वर्टिसेस. ओके, एंड दिस वन, दिस लाइन इज नोन एज द एज. ये जो होती है ना, ये एज होती है. ठीक, दीज आर ऑल एजेस, जिसको हम लोग प्लेन फिगर्स में साइड्स बनाते थे. सपोज अगर आपको स्क्वायर बनाना था तो आप साइड्स बनाते थे. इसमें जब व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड फिगर्स तो हम लोग इसको कहते हैं एजेस. दीज आर द एजेस, ये सब एजेस हैं. ठीक, एंड दिस होल इज, दिस प्लेन साइड इज नोन एज द फेस. These are the faces. This one is a face, this is the face, this is the face. So, in solid figures, we have edges, vertices and faces. Now, faces can be of two types. They can be plain faces or they can be curved faces. Like for example, in sphere, in cylinder and in cone even, we have curved surface areas. Okay? So, we have curved faces in them. Now there comes a term that is called polyhedron. Poly means many. ठीक, और hedron means ऐसा कोई figure हो, ऐसा कोई shape हो which is made up of planes. Planes से बना हुआ कोई shape या कोई figure that is called polyhedron. So just now I showed you a cuboid. A cuboid अगर आप ले लीजिए या फिर if you take example of a cube, उसमें कितने faces होते हैं? It has 6 faces. So it will be known as a hexahedron. जैसे पॉलीहेड्रन है कि कितने भी साइड्स हो आप उसका उसी के अकॉर्डिंग नाम रख सकते हैं. लाइक हेक्साहेड्रन, लाइक डोडेकाहेड्रन, आइकोसाहेड्रन, इस तरह से यू कीप ऑन नेमिंग देम. और पॉलीहेड्रन्स का मतलब यही होता है कि वो प्लेन्स से बना हुआ हो. ठीक है, द नेक्स्ट इज अबाउट द आयलर्स फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? इसमें आपको पता चलता है कि इट शोज द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस. इनके बीच में आपस में एक रिलेशन है जिसको हम लोग कहते हैं आयलर्स फॉर्मूला. व्हाट इट इज? फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस. इफ यू ऐड, किसी भी आप कोई भी शेप ले लीजिए, ठीक, क्यूब ले लीजिए, क्यूबॉइड ले लीजिए, कोई भी पॉलीहेड्रन ले लीजिए, फेसेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस इन दैट प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस. इफ यू डू दिस यू विल ऑलवेज गेट 2 एज द आंसर. You can take any of the figure. आप कोई भी shape ले लीजिए, prism, कोई भी pyramid, किसी तरह का shape लीजिए. If you add the faces and vertices and you subtract the edges, you will always get 2. This relationship is known as the Euler's formula. Okay? The next thing is about the view. आपको दिखता कैसा है, आपको कहाँ से कैसा दिख रहा है, that is called the view. For example, if you see this box फ्रॉम टॉप, ठीक, अगर ऐसे ऊपर से देखा जा रहा है तो क्या मुझे ये पूरा बॉक्स दिखेगा? नो, मुझे क्या दिखेगा? मुझे ये एक स्क्वायर टाइप का शेप दिखेगा. ठीक, अगर टॉप व्यू से देखा जा रहा है. अगर कोई साइड से, सपोज आप लोग देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है, आपको ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है. सो फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स वी गेट डिफरेंट व्यू. तो इस हिसाब से अगर कभी आपसे टॉप से कहा जाता है, फ्रंट से कहा जाता है या साइड से कहा जाता है, तो देयर कैन बी डिफरेंट व्यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स.
सो डू रिमेम्बर दिस थिंग, आपको एंगल्स के हिसाब से जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो एंगल ऑफ व्यू है, वहां से वो फिगर, कोई भी सॉलिड फिगर डिफरेंट टाइप का दिख सकता है. सो टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ व्यूज दैट यू हैव टू स्टडी. So children, this was it. Your chapter is completed. This was a very short chapter. बस आपको क्या याद रखना है, number of faces, vertices and edges याद रखना है, and that is all you need to know. And try to solve the questions on your own. If there is any kind of confusion or any doubt, you can ask me in the live class. I'll explain you there. The solutions will be provided on School Mitra app. You have to download and complete your work. And do remember Sadhya Ma'am's rule that maths comes by practice.